जहां एक और सेलिब्रिटीज को देखकर यंगस्टर्स को उनके जैसे बनने की चाह उमड़ती है, तो वहीं फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे भी कई सितारे रहे हैं जिन्होंने सिनेमा को छोड़कर अध्यात्म अपना लिया और मन की शांति के लिए सब कुछ त्याग दिया। इसमें जायरा वशीम और अनु अग्रवाल से लेकर सना खान जैसे सेलिब्रिटीज शामिल हैं जिन्होंने शोबिज की दुनिया को छोड़ दिया। इसी लिस्ट में एक और अभिनेत्री का नाम है जिसने बौद्ध भिक्षु बनने के लिए अपना करियर छोड़ दिया और अब उन्हें ग्लाल्टेन सेमटेन के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, आज की वीडियो में मैं आपको उस एक्ट्रेस के बारे में बताऊंगा जिसने ग्लैमर की दुनिया छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया और अब पहाड़ों पर रहती हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस एक्ट्रेस का नाम है बरखा मदान। यह बॉलीवुड की जानी मानी मॉडल और एक्ट्रेस थी। साल 1994 में मिस इंडिया की प्रतियोगिता में इन्होंने सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय जैसे स्टार्स के साथ कंपटीशन किया था और फर्स्ट रनर अप का खिताब अपने नाम किया था। यह अभिनेत्री अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। इसके बाद 1996 में बरखा मदान का बॉलीवुड डेब्यू हुआ। उनकी डेब्यू फिल्म थी खिलाड़ियों का खिलाड़ी, जिसमें अक्षय कुमार, रेखा और रवीना टंडन मुख्य भूमिका में नजर आए थे। अक्षय कुमार की यह फिल्म उस साल की ब्लॉकबस्टर रही थी। इसके बाद बरखा मदान ने साल 2003 में रिलीज हुई राम गोपाल वर्मा की फिल्म भूत में काम किया था। इस फिल्म में कई बड़े दिग्गज कलाकार शामिल थे, अजय देवगन, उर्मिला मातोंडकर, नाना पाटेकर, रेखा और फरदीन खान जैसे स्टार्स के बीच उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। फिल्म के किरदार ने बरखा में जान फूंक दिया था। इसके अलावा अगर हम टीवी की बात करें तो उन्होंने 1857 क्रांति, घर एक सपना और न्याय जैसे कई बेहतरीन टीवी शो में काम किया और नाम कमाया। इसके बाद उन्हें टीवी के लोकप्रिय शो सात फेरे सलोनी का सफर में भी देखा गया था। लेकिन एक समय पर अपनी खूबसूरती के लिए वाहवाही बटोरने वाली बरखा मदान मौजूदा समय में बौद्ध भिक्षु बन चुकी हैं। बरखा मदान हमेशा से बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा की अनुयायी रही हैं। साल 2012 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध भिक्षु बन गए। बौद्ध भिक्षु बनने के बाद अब उनका नाम बरखा मदान से बदलकर ग्लाल्टेन सेमटेन हो गया है। उनके बाल कट गए हैं, वह पहाड़ के मठों में रहती हैं। सोशल मीडिया पर वह अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, जिसके कारण लोग उनके बारे में आज भी जानने को इच्छुक होते हैं। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।